अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग जांच की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। उधर व्हाइट हाउस ने इसे एक तरफा और झूठी कार्रवाई करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे महाभियोग मामले में मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की न्यायिक समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। करीब एक महीने में बनी 300 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने राष्ट्रहित से समझौता कर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने पक्ष में विदेशी मदद मांगी। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संसदीय गवाहों को सार्वजनिक रूप से धमकाया, जो कि एक गंभीर अपराध है। साथ ही रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग जांच को रोकने के प्रयास का आरोप लगाते हुए जांच को आगे भी जारी रखने के लिए सिफारिश की गई है। उधर व्हाइट हाउस ने इसे एक तरफा और झूठी कार्रवाई करार दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके वकील बुधवार को महाभियोग की सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।